सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का कॉलेज एंड कंपटीशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, चाहे आप राजस्थान की कोई सी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जिनमें रीतिकालीन काव्य है आपका जो पाठ्यक्रम है, और बीए सेकंड ईयर में हो सकता है, बीए थर्ड ईयर में हो सकता है, बीए पार्ट फर्स्ट में भी हो सकता है, लेकिन लगभग जो यूनिवर्सिटीज है उनमें बीए पार्ट सेकंड में ही ये पेपर रखा गया है। और रीतिकालीन काव्य है वो प्रथम पेपर है, कईयों के द्वितीय पेपर भी हो सकता है। तो आप इसको अपने पाठ्यक्रम के अनुसार देख लें, यानी अपने राजस्थान में तो सभी में ये सभी यूनिवर्सिटी में चलता है, चाहे एमजीएस में ले लो, एमडीएस में ले लो, राजस्थान यूनिवर्सिटी में ले लो, आप जेएनवीयू में ले लो, यानी आप कोटा में ले लो, शेखावाटी में ले लो, यानी लगभग यूनिवर्सिटीज में है वो ये पेपर चलता है। तो इस पेपर में से जो आपके प्रश्न आने वाले हैं, यानी आपके एक तो आपके व्याख्या से संबंधित प्रश्न आते हैं, व्याख्या बहुत जरूरी होती है, व्याख्या प्लस कवि का परिचय, कवि का परिचय और व्याख्या यदि आपको याद है तो आप उस पाठ में से कोई भी प्रश्न यदि पूछा जाता है तो उस प्रश्न के उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। तो पेपर के प्रश्न पूछने के तरीके अलग अलग यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, कईयों में क्या है कि एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस वाले पूछे जाते हैं, इसके साथ साथ अति लघुतरात्मक प्रश्न भी शामिल किए जाते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न भी शामिल किए जाते हैं, निबंधात्मक प्रश्न तो होते ही होते हैं। तो उन सभी को ध्यान में रख करके आपके लिए ये पाठ्यक्रम और ये वीडियो बनाया जा रहा है। द्वितीय वर्ष जो है बीए पार्ट सेकंड में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थी, पहले भी बता चुका हूं और भी बता देता हूं कि हिंदी साहित्य, इसके अलावा आपके हिस्ट्री और आपके पॉलिटिकल, ये तीन विषय आप इस चैनल पर कॉलेज एंड कंपटीशन पर आप बीए प्रथम वर्ष से लेकर के और बीए फाइनल तक जो विद्यार्थी हैं वो इसमें वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं, पूरा पाठ्यक्रम आपको मिलेगा। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि जब भी वीडियो बनता है तो वीडियो बनते ही आपके नोटिफिकेशन आ जाए। जब भी एग्जाम होगी तो एग्जाम से संबंधित और भी बहुत सारे निर्देशन है, जैसे मान लो पेपर कैसा आएगा, पेपर में कैसे प्रश्न मुख्य मुख्य बनेंगे, तो वो सारी बातें हैं वो आपके लिए बताई जाएगी। और आपको हो सकता है कि पेपर का पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाया जाए, पेपर हल करके भी आपको बताए जाएंगे। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें और संपूर्ण सिलेबस को आप कर लें। रीतिकालीन काव्य से संबंधित और जैसे और भी जितने भी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है, तो आप अवश्य ही इस वीडियो को देखें। और यदि किसी प्रकार का और भी कोई, जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट से संबंधित आपकी जिज्ञासा हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि उस पर भी विचार किया जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे केशवदास। क्या पढ़ेंगे? केशवदास। केशवदास का परिचय तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो कुछ व्याख्याएं हैं वो आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो यानी केशवदास पूर्ण क्लियर करेंगे। केशवदास ही आपका पहला पाठ है, तो इसमें हम आइए चलते हैं केशवदास के कुछ पदों को, यानी आपके इसमें लगभग 16-17 पद रखे गए हैं, उनमें से आज हम 7 पदों को ले रहे हैं, और 7 पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट जो पद है वो आपको बताए जा रहे हैं, तो आप अवश्य ही ध्यानपूर्वक देखें। आइए चलते हैं उन पदों की तरफ। देखिए पहला पद, पहला पद है आपके सरस्वती की वंदना। कौन सा है? सरस्वती की वंदना है। तो सरस्वती की वंदना यानी इस जब भी व्याख्या आती है तो व्याख्या के लिए आपको क्या क्या करना होता है? व्याख्या के लिए आपको एक तो प्रसंग लिखना होता है, प्रसंग के अलावा उसका उसकी व्याख्या करनी होती है, व्याख्या के अलावा विशेष लिखना होता है। ये तीन जो प्रोसेस है अर्थात तीन जो चरण है, इन चरणों से होकर के ही आपको लिखना होता है, और इसी में आपके नंबर जुड़े हुए होते हैं कि भाई आपके नंबर जो हैं वो जैसे प्रसंग के कुछ, जैसे मान लो ये है व्याख्या, यदि 15 नंबर की रखी गई है या 10 नंबर की रखी गई है तो इसकी जो रहेगी जैसे 2, 5 और 3 इस प्रकार हो सकती है, 3, 5, 2 इस प्रकार भी हो सकती है, जैसे प्रसंग के 3 नंबर, 5 नंबर जैसे इसकी व्याख्या के और 2 नंबर इसकी विशेष के, तो इस प्रकार आपके नंबर है वो डिवाइड किए होते हैं। तो आप निश्चित रूप से इन तीनों चरणों से होकर के गुजरे। जैसे देखिए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं, सबसे पहले कि बानी जगरानी, बानी जगरानी की उदारता, यानी एक बार आप पढ़कर देख लीजिए, बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए ऐसी मति कहो तो कौन उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप व्रत कही कही हारे सब कही काहू लही।
भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है केशो देश क्या हूं बखानी का हूं पे गई वर्णपति चार मुख पूत वर्ण पांच मुख नाति वर्ण षट मुख तदपि है नई नई अर्थात मां सरस्वती की वंदना करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में हमें क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद महाकवि एवं कठिन काव्य के प्रेत कहे जाने वाले केशवदास द्वारा विरचित रामचंद्रिका में से प्रारंभिक पद सरस्वती वंदना से उद्धृत है। इसमें मां शारदे की बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है या उसकी उदारता का बखान किया गया है। तो अब इसमें आप व्याख्या कीजिए, थोड़ा सा आप इसके अर्थों पर चले जाइए। जग रानी मतलब संसार की रानी, उदारता यानी उसकी महिमा, बखानी जाए यानी वर्णन की जाए, ऐसी मति, मति का मतलब है बुद्धि, उदार, उदार यानी शक्ति, देवता, प्रसिद्ध ऋषि राज अर्थात ऋषियों में तप प्रदीन तपस्वी, कही कही हारे सब कही ने काहुल, भावी भूत वर्तमान अर्थात भावी यानी भविष्य, भूत यानी भूतकाल, वर्तमान यानी वर्तमान, जगत बखानत है, बखानत मतलब बखानता है या वर्णन करता है, केशोदास केहू ने बखानी काहू पे गए, बखानी मतलब वर्णित नहीं की गई, वर्णपति चार मुख का मतलब यहाँ पर ब्रह्मा जी से है, किसका है, वर्णपति पांच पूत वर्ण पांच मुख यहाँ पर शिव जी है, और नाति वर्ण षट मुख छह मुख वाला यहाँ पर षडानन यानी कार्तिकेय, षडानन का मतलब है कार्तिकेय। तो इनका वर्णन आप कैसे करेंगे कि कवि कहते हैं कि देवी सरस्वती जो संसार में पूज्या है उनकी महिमा का वर्णन कोई अपनी वाणी से नहीं कर सकता, इस प्रकार की वाणी इस प्रकार की बुद्धि किसी के पास नहीं है जो मां शारदे का ठीक ठीक वर्णन कर सके, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप प्रदे, मां शारदे का वर्णन करने के लिए देवता प्रसिद्ध ऋषि मुनि तपस्वी सभी ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनका वर्णन किया है, उनकी सुंदरता का वर्णन किया है, उनकी महिमा का वर्णन किया है, लेकिन कोई भी उनकी सटीक महिमा का वर्णन नहीं कर सका अर्थात आज तक किसी ने इसकी पूरी महिमा का वर्णन नहीं हुआ है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है अर्थात भावी यानी आने वाले काल में भी इनकी प्रशंसा होती रहेगी अर्थात इनका इनकी उदारता का वर्णन होता रहेगा, भूतकाल में भी हुआ है, वर्तमान में भी हो रहा है, संपूर्ण संसार इनके उद्गार को अर्थात उनकी महिमा को बखानता है, लेकिन केशवदास कहते हैं कि किसी ने भी इनकी महिमा का वर्णन करने की किसी में भी कोई बुद्धि नहीं है, सामान्य मनुष्य की तो छोड़िए, वर्णपति चार मुख यहां तक कि इनके पति ब्रह्मा जी ने अपने चार मुखों से, इनके पुत्र शिव जी ने अपने पांच मुखों से, और इनके नाती अर्थात इनके पौत्र षडानन कार्तिकेय ने अपने छह मुखों से मां शारदे की सुंदरता का वर्णन किया, लेकिन वो भी उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सके, और जब जब इनकी सुंदरता का वर्णन किया गया तब तब इनमें किसी न किसी प्रकार की नवीनता झलकने लगी। तो अब ये तो आप व्याख्या हुई, अब इसमें विशेष क्या है, विशेष देखिए इसमें विशेष क्या बनता है, विशेष इसमें बनता है आपके जैसे एक तो अलंकार से देख लीजिए, अलंकार में एक तो अतिशयोक्ति अलंकार है, कौन सा है, अतिशयोक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अब कहां कहां है अभी बता देता हूं आपको, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसके अलावा अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए कहां पे है, इसमें आप देख लीजिए, यानी इसमें अनुप्रास अलंकार तो आप सभी में देख रहे हैं, यानी बानी जग रानी की उदारता, ऐसी मति कहो तो उदार कौन की भई, प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप प्रदेश में भी अनुप्रास अलंकार है, कही कही में कौन सा अलंकार है, यहां आपके पुनरुक्ति प्रकाश है, कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश है, और पूरे ही पद में अतिशोक्ति अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार वहां होता है जहां बहुत अधिक बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है। इसके अलावा मनहरण कवित है, ये कौन सा है, मनहरण कवित है जिसमें 31 वर्ण होते हैं, वर्णिक छंद है, ये कौन सा है, वर्णिक छंद में है और मनहरण कवित है, मनहरण कवित जिसमें 31 वर्ण होते हैं। इसके अलावा आप इसमें भावपक्ष की एक बात लिख दीजिए कि मां शारदे की
सुंदरता और उसकी महिमा का वर्णन इस पद में किया गया है। बस इतने में आपके यानी जो 10 नंबर के तो 10 नंबर पूरे, 15 के तो 15 भी पूरे। अगला देखिए, अगला पद जो है पंचवटी वर्णन का है। आपने देखा होगा कि इनकी जो काव्य रचना है केशवदास की, उसका नाम है रामचंद्रिका। कौन सी रचना है? रामचंद्रिका है। और रामचंद्रिका में यानी भगवान श्री राम से संबंधित वर्णन किया गया है। तो यहां पर पंचवटी, पंचवटी का अर्थ आप जानते हैं कि पांच वृक्षों से, जो पांच वृक्षों से बनी वटी या जो समूह है उसे पंचवटी है। पंचवटी भगवान श्री राम ने जब वनवास में रहने का जो उनका स्थान था उसे पंचवटी कहा जाता है। और पंचवटी का वर्णन यहाँ पर लक्ष्मण कर रहा है। लक्ष्मण है वो पंचवटी को देख करके, और लक्ष्मण क्या कहता है कि सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रह जाए एक घटी निगटी रुचि मीचु घटी हु घटी जग जीव जती न की छुट्टी तटी अग ओग की बेरी कटी विकटी निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान जगटी चहु और न नाचत मुक्त नटी गुण धूर जटी वन पंचवट। कितनी सुंदर व्याख्या की है इन्होंने, यानी यू कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर लाजवाब व्याख्या है। तब यहां पर पंचवटी की सुंदरता का वर्णन करते हुए लक्ष्मण क्या कहते हैं, प्रसंग उसी प्रकार लिखना है कि यानी ब्रज भाषा के, या यूं कह सकते हैं कि कठिन काव्य के प्रेत कहे जाने वाले एवं महाकवि एवं आचार्य केशवदास द्वारा विरचित रामचंद्रिका के पंचवटी वर्णन से, अर्थात पंचवटी वर्णन से लिया गया है, जिसमें लक्ष्मण पंचवटी की सुंदरता का वर्णन करता है और पंचवटी की महिमा का वर्णन करता है। अब आप इसकी व्याख्या करेंगे। कवि के वर्णन अनुसार लक्ष्मण कहते हैं कि पंचवटी जो है वो शिव जी के दर्शनों के समान है। पंचवटी कैसी है? शिव के दर्शन के समान है। यानी आप इसके अगर कठिन शब्दों पर देखें तो आप देख सकते हैं दुख की दुपटी का अर्थ है चादर, कपटी कपटी अर्थात कपट रखने वाला, घटी का मतलब एक घटी भी, निगटी मतलब घट जाती है, रुचि अनुचि, मिचु मिचु का अर्थ होता है मृत्यु, जग जीव जती न की छूटी तटी, तटी का मतलब होता है समाधि, अग ओग यानी पापों का समूह, बेरी बेरी एन बेड़ी, कटी विघटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी अर्थात ज्ञान की गठरी, चहु और नाचत मुक्त नटी मुक्ति रूपी नटी गुण धूर जटी, धूर जटी यहां पर शिव जी है, और पंचवटी यानी पंचवटी है ही। यानी पंचवटी को किसके समान बताया है? शिव जी समान बताते हुए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार शिव के दर्शनों से व्यक्ति के दुख समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार पंचवटी में प्रवेश करने पर मनुष्य मात्र के दुखों की चादर फट जाती है। कपटी न रह जाए एक घटी, यह वह स्थान है जहां पर कपटी व्यक्ति एक घड़ी भी, एक क्षण भी वहां नहीं रह सकता। पंचवटी में प्रवेश करने के पश्चात इस मृत्युलोक में आए व्यक्तियों की मृत्यु से रुचि घट जाती, निगटी रुचि मीचू मीचू मतलब मृत्यु, घटी हूं घटी अर्थात मृत्यु से उनकी रुचि घट जाती है। जब जीव जतीन की छूटी तटी, यानी जतीन जतीन मतलब यति, यहां पर आने पर यति अर्थात तपस्वियों की तपस्या भी छूट जाती है, यानी उनकी समाधि है, समाधि भी छूट जाती है। अग ओग की बेरी कटी बिकटी, यहां पापों के समूह की बेड़ियां कट जाती है अर्थात भयंकर पापी भी यहां पर कल्याण को प्राप्त कर सकता है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी यानी यहां पर आने पर व्यक्ति की जो भौतिक कामनाएं है वो लुप्त हो जाती है, मन को बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, लक्ष्मण कहते हैं कि पंचवटी में प्रवेश करने पर बेड़ियां तो कट जाती है और इसके साथ साथ व्यक्ति के सामने गुरु रूपी ज्ञान की गठरी है वो भी प्रकट हो जाती है, बाहरी ज्ञान की गठरी भी प्रकट हो जाती है। अर्थात इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि यहां पर आने पर व्यक्ति समस्त पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है। चहु और नाचक मुक्त नटी, यहां पर मुक्ति रूपी जो नृत्यका है वो चारों ओर नृत्य करती रहती है, अर्थात इस स्थल के चारों ओर मुक्ति ही मुक्ति है, कल्याण ही कल्याण है। गुण धूर जटी वन पंचवटी, और पंचवटी तो भगवान शिव के साक्षात गुणों को धारण किए हुए हैं, यानी पंचवटी शिव जी के सभी गुणों में विद्यमान है। शिव जी के दर्शनों से मानव के सभी पाप धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो है उसकी भी कामनाएं समाप्त हो जाती है और वह व्यक्ति कल्याण को प्राप्त हो जाता है। अब इसमें आप देखिए
विशेष क्या चीज है? विशेष देखिए, इसमें एक तो आपके रूपक अलंकार है। कौन सा है रूपक? जैसे अग ओग, पापों का शंकु, ठीक है। कटी विकटी, कटी विकटी यहां पर, यानी यहां पर यमक अलंकार है। यमक में भी आप देख सकते हैं सबंग यमक है। कौन सा है? एक तो अभंग यमक होता है, एक सबंग यमक होता है। अभंग यमक तो वहां होता है जहां पर किसी शब्द को तोड़े बिना ही उसके अर्थ अलग हो जाते हैं। सबंग में जिसको तोड़ना पड़ता है, कटी विकटी में भी हटाना पड़ेगा, तब इनमें क्या है, निकटी प्रकटी, यानी इन सभी में कौन सा है, यमक अलंकार है। इसके अलावा निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, गुरु रूप, गुरु ज्ञान रूपी गठरी, यहां पर भी रूपक अलंकार है। इसमें अनुप्रास तो है ही है, अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक भी है। इसके अलावा आप इसमें क्या विशेष देख सकते हैं, ये दुर्मिल सवैया है, सवैया छंद है ये। कौन सा है? सवैया है, सवैया में भी दुर्मिल सवैया है, दुर्मिल सवैया इस यह है इसमें विशेष रूप से। और तीसरी बात यहां पर लिख सकते हैं कि भगवान श्रीराम द्वारा निर्मित पंचवटी की सुंदरता का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया गया है। अगला पद देखिए, अगले पद में क्या है, अगला पद और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हनुमान रावण संवाद है। हनुमान रावण संवाद कहाँ का है? जब हनुमान जो है लंका में जाते हैं, और लंका में जाने के बाद रावण उनसे सवाल जवाब करता है, अर्थात हनुमान जी को बांध करके ले जाते हैं। तब रावण उनसे पूछता है, रावण और हनुमान के बीच में क्या संवाद होता है। हनुमान से रावण पूछते हैं, रे कपि को नतु, रे कपि को नतु। तब हनुमान जी कहते हैं, अच्छा को गातक दूत बलि रघुनंदन जु। तब रावण कहता है, को रघुनंदन रे। तब यानी हनुमान क्या बता, त्रिश्रा खरदूषण दूषण भूषण भूको। तब रावण कहता है, सागर कैसे तरी। हनुमान जी जवाब देते हैं, जस गोपद। अभी हम इसका सरलात करके देखें। और रावण पूछता है, काज कहा? तब हनुमान जी कहते हैं, सिय चोरा ही देखो। और कैसे बंधायो, रावण पूछता है, तब जो सुंदरी तेरी छुई द्वग शोभत पातक लेखो। यहां भी आपको प्रसंग वही लिखना है कि इसमें हनुमान और रावण संवाद को का चित्रण किया गया है। सबसे पहले रावण पूछता है, अरे वानर तू कौन है, रे कपि कौन हो, अर्थात वानर तुम कौन हो। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं अक्षय कुमार को मारने वाला, अक्षक को घातक, अर्थात मैं अक्षय कुमार को मारने वाला दूत बलि रघुनंदन जी को और भगवान श्री राम का दूत हूं। अक्षय कुमार को मारने वाला और भगवान श्री राम का दूत हूं, को रघुनंदन रे। तब रावण पूछता है कि ये रघुनंदन कौन है। तब उन्होंने कहा कि आपकी वीर, आपकी सेना के वीर योद्धा त्रिशिरा खर दूषण इनको मारने वाले और इस संसार के भूषण अर्थात संसार के राजा, संसार के स्वामी है रघुनंदन। सागर कैसे तरियो, आपने समुद्र को कैसे पार किया। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैंने समुद्र को जिस प्रकार गाय की खोज को पार किया जाता है, उसी प्रकार मैंने सहजता से समुद्र को पार कर लिया। काज कहा, समुद्र पार करके तुम यहाँ क्यों आए। तब उन्होंने कहा, सिय चोर ही देखो, मैं सीता को चुराने वाले की खोज करने के लिए आया था, अर्थात जो सीता को चुरा कर ले गए उसे देखने के लिए आया था। तो कैसे बंधाए हो, फिर तुम इस बंधन में क्यों बंधे। तब हनुमान जी बहुत सटीक जवाब देते हैं कि इस बंधन में बंधने का कारण यह है कि मैं जब यहां लंका में प्रवेश कर रहा था, लंका में प्रवेश करते समय आपके महलों में सो रही उन सुंदर नारियों पर मेरी दृष्टि पड़ जाने से मैं पाप को ग्रहण कर लिया और उसी पाप की वजह से मैं इन बंधन में बंध पाया हूं, अन्यथा मुझे यहां इस लंका में बांधने वाला कोई भी नहीं था। ये इसका वर्णन है। और इसमें अनुप्रास यमक अलंकार है, यमक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। इसके अलावा आप इसमें कह सकते हैं कि हनुमान और रावण संवाद का वर्णन है और हनुमान द्वारा पाप फल का कथन कह करके भारतीय संस्कृति का बहुत ही सुंदर बखान किया गया है। अगला पद देखिए, मैं आपको बता रहा था कि अपने जो नंबर हैं वह है 9610208295। इन पर आपके
सभी के ग्रुप्स भी बने हुए हैं, बॉयज गर्ल्स के लिए भी बने हुए हैं, तो आप इसमें ऐड हो सकते हैं और ऐड होकर के भी, यानी आपको जब भी वीडियो होगा तो वो आपको इस ग्रुप में ऐड करके यानी ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगला पद देखिए, अगला पद है हनुमान और राम के बीच में चर्चा है। चर्चा कैसी कि जब हनुमान जी लंका जाकर के वापस आते हैं तब श्री राम पूछते हैं कि सीता का क्या हाल है। तब वो सीता का हाल बताते हुए, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, हनुमान जी कहते हैं कि बोरनी जो भ्रमत रहती वह न बीती करी, बोरनी जो भ्रमत रहती वह न बीती करी, हंसनी जो मृण मृदुल मृणाली का चाहती है, हारिणी जो हैरेती न केसरी के काना नहीं, के की सुन ब्याल जो बिला नहीं चाहती है, पिउ पिउ रटती रहती चित चात की जो चंद चीते चकाई जो चुपाई रहती है, सुना हूं नृपति राम भी रहती हरे ऐसी सुनती न सीता जी की मूरती रहती है। यानी क्या कहते हैं, यहाँ पर हनुमान राम चर्चा में से लिया गया है, तो इसमें आप सीधी व्याख्या बता देता हूँ आपको कि व्याख्या कैसे करना है। बौरणी अर्थात भ्रमरी, भ्रमत यानी घूमती रहती है, हंसनी हंसनी मृणालिका कमलनाल, हैरती ढूंढती रहती है, केसरी यानी शिंग, कानन यानी वन, केकी यानी मोरनी, व्याल व्याल इन सरप है ना, इसी प्रकार प्यू प्यू रटत चित चात की जो अर्थात चातक की तरह, पपैया की तरह, चकवा चकवी की तरह, चंद चिते चंद्रमा चंद्रमा चिते चकई यानी चकवा या चकवी, तो वो आगे बताते हैं इसका वर्णन करते हुए। देखिए हनुमान ने श्री राम से कहा कि जिस प्रकार भ्रमरी, भ्रमर बोरा नहीं तू भ्रमत अर्थात जिस प्रकार भ्रमरी वन मार्ग में घूमती रहती है और वो भ्रमर वन मार्ग में घूमती रहती है, उसी प्रकार सीताजी का मन भी आपके स्मृति रूपी वन में घूमता रहता है। हंसनी जो मृदुल मृणाली का चाहती है, जिस प्रकार हंसनी सुकोमल कमल नाल चाहती है, मृदुल मृणाली का अर्थात सुकोमल कमल नाल चाहती है, ठीक वैसे ही सीताजी भी आपके इन कमल नाल रूपी अर्थात आपके बाजू रूपी, आपके हाथ रूपी, आपके बाजू रूपी कमल नालों का शरण लेना चाहती है, अर्थात आपके साथ रहना चाहती है। हारिणी जो हैरती ने केसरी के कानन को, जिस प्रकार एक हिरणी सिंह के वन में भूल करके भी प्रवेश नहीं करती है, हैरिणी हारिणी मतलब हिरणी, हैरिणी जो हैरती ने हैरती में नहीं जाती है, केसरी के कानन अर्थात सिंह के वन में, जिस प्रकार जिस वन में सिंह रहते हो उस वन में हिरणी जो है वो भूल करके भी नहीं जाती, और जिस प्रकार केकी सुननी प्याल जो बिला नहीं चाहते, जिस प्रकार मोरनी की आवाज सुन करके और व्याल व्याल मतलब सांप जो होता है वो बिल में चला जाता है, ठीक उसी प्रकार सीता जी भी जब पीव पीव रटते चाहती जो जाती अर्थात जब भी मोर के आवाज की सुनती है तो वह भी अपने आप में सिमट जाती है, सीता जी भी अपने आप में सिमट जाती है, और पीयू पीयू रटत रहते चित चात की जो, जिस प्रकार एक चातक पक्षी अर्थात पपैया आकाश में रहते रहते पीयू पीयू की वाणी रटता रहता है, ठीक उसी प्रकार सीता जी भी आपका ही नाम लेकर के पीयू पीयू रटती रहती है, अर्थात हर समय आपको याद करती रहती है, चंद चीते चकाई जो चुप ही रहती है, चातकी की तरह प्रतिष्ठण आपको प्रिय प्रिय करती रहती है, और जिस प्रकार चंद्रमा को देख करके चकवी बहुत अधिक दुखी होने के साथ चुप भी हो जाती है, चंद चीते चकई जो चुप ही रहती है अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा को देख करके चकवी अतिशय व्यथा से चुप हो जाती है, उसी प्रकार सीता जी भी व्यथित होकर के चुपचाप बैठी रहती है। सुना हो नृपति राम वीर है तिहार ऐसी हे भगवान श्री राम, राजा श्री राम सुनो, तुम्हारे वीरह के कारण तुम्हारी यादों और तुम्हारी स्मृतियों में सूरत इन सीता जी की मूर्ति रहती है। यानी सुनिए आपके वीरह में सीता जी की ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है कि क्षण भर के लिए वे अपनी स्वाभाविक दशा को ग्रहण नहीं कर पाती है, और यानी आठों पहर आपके संताप में आपकी यादों में दुखी रहती है। सूरती न सीता जी की मूर्ति रहती है, अर्थात सीता जी है वो अपनी मूर्ति में, यूं कह सकते हैं कि सीता जी अत्यधिक दुर्बल हो गई है, अत्यधिक क्षीण, आपको याद कर करके अत्यधिक क्षीण हो गई है। अब आप इसमें विशेष क्या लिखेंगे देखिए,
विशेष में नंबर एक आप देखिए, इसमें अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार तो है ही, इसके अलावा उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में तो आप देख लीजिए हंसनी जो, यानी हंसनी की तरह है ना, और इसी प्रकार के की सुनी ब्याल जो, ब्याल की तरह है ना, प्यू प्यू रटती चात की जो, इसमें इन सभी में उपमा अलंकार है। और ये घनाक्षरी छंद है, कौन सा है? घनाक्षरी छंद है। इसके साथ साथ सीता जी की विरह व्यथा का सुंदर वर्णन किया गया है। और यदि आप भाषा के रूप में लेते, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग भी हुआ है। अगला पद देख लीजिए, अगला पद देखिए, अगला पद है, अगले पद में हनुमान लंका गमन की बात है। हनुमान लंका गमन की बात है, यानी जब हनुमान जी लंका गए थे तब वो कैसे लग रहे थे, तब ये केशवदास जी क्या लिखते हैं, इसको आप एक बार सुन लीजिए। कि हरि केशो वाहन की विधि केशो हेम हंस लीक सी लिखत नब पाहन के अंक को, लंक लंक तेज को पाहन के अंक को, तेज को निधान राम मुद्रिका विभान कह दो, लक्ष्मण को बाण छूट्यो रावण निशंक को, गिरी गज गंड ते उड़न सुबरन अली, सीतापद पंकज सदा कलंक रंग को, हवाई सी छूटी केशोदास आसमान में, केशोदास आसमान में कमान के सुगोला हनुमान चलो लंक में। इस प्रकार ये आगे वर्णन देखिए, वर्णन करते हुए वाहन यानी आप जानते ही हैं, वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे हेमंस, हेमंस का मतलब सोने का हिरण, लीक सी लिखत नब यानी आकाश, पाहन यानी पत्थर, राम मुद्रिका अर्थात अंगूठी, विमान के दो विमान की तरह, रावण निशंक को, गिरी गज गंड ते उड़ान सुवर्ण अली स्वर्ण अली अर्थात भ्रमर, सीता पद पंकज सीता के अर्थात पैर रूपी कमल पद, हवाई सी छुटी केशोदास आसमान में। तो अब इसमें क्या कहते हैं, देखिए केशोदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि विष्णु के वाहन गरुड़ की तरह, हरि केश वाहन अर्थात विष्णु का जो विमान गरुड़ है उसकी तरह, जब वो लंका में जा रहे थे तो हनुमान जी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की तरह लग रहे थे, और ब्रह्मा का जो वाहन स्वर्ण हंस है उसी के समान आकाश में वो यात्रा कर रहे थे। विधि केशो, विधि मतलब ब्रह्मा जी, विधि केशो हेम हंस अर्थात ब्रह्मा जी के उस स्वर्ण हंस की तरह वो लग रहे थे, लीक सी लिखत नब पाहन के अंक को, और इस स्वर्ण हंस के समान आकाश रूपी पत्थर पर सोने की सी रेखा खींचते हुए हनुमान लंका की तरफ उड़ रहे हैं। लीक सी लिखत नब पाहन अर्थात आकाश में सोने की लीक सी खींचते हुए लंका की तरफ उड़ रहे हैं। लंक तेज को निधान राम, तेज को निधान राम मुद्रिका विमान के दो, अर्थात जब वो हनुमान जी लंका गमन कर रहे थे, उड़ान भर रहे थे, तो उस समय ऐसे लग रहा था जैसे श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी को उन्होंने विमान कर बना करके उड़ रहे हो, अर्थात राम द्वारा दी गई अंगूठी ही उनका विमान है, जैसे विमान के दो लक्ष्मण को बाण छूटो रावण निशंक को, और वो इस प्रकार लग रहा था जैसे लक्ष्मण के द्वारा छोड़ा गया बाण रावण को मारने के लिए जा रहा हो। गिरी गज गंड ते उड़ान सुबरन अर्थात पर्वत रूपी हाथी से के कुंभ स्थल से, पर्वत रूपी हाथी के कुंभ स्थल से स्वर्ण रूपी या स्वर्ण के समान कोई भ्रमर जो है वो सीताजी के चरण कमलों की शरण पाने के लिए जा रहा हो। गिरिगंज ते उड़ाने सुवर्ण अर्थात कोई पर्वत रूपी यानी पर्वत रूपी हाथी के, गिरिगंज का मतलब हाथी, पर्वत रूपी हाथी के कुंभ स्थल से उड़ा हुआ भंवरा जो है वो सीता जी के पैरों की शरण पाने के लिए अर्थात कमल रूपी पैरों की शरण पाने के लिए जा रहा हो, अपना कलंक धोने के लिए जा रहा हो, ऐसा लग रहा था। हवाई सी छुट्टी केशोदास आसमान में, यानी केशोदास जी कहते हैं कि जब वो आकाश में उड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था
आकाश में उड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई आतिशबाजी की हो या किसी ने तोप का गोला छोड़ दिया हो, अर्थात तोप के गोले की तरह वो लग रहे थे, ऐसा आवाज हो रहा था और हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे। कितना सुंदर वर्णन है, इसमें उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक तो उत्प्रेक्षा है, एक इसमें रूपक है, एक उपमा है, अनुप्रास अनुप्रास तो है ही, चार अलंकार है इसमें। जैसे आप इसमें सीता पद पंकज यानी इसमें रूपक अलंकार है। और भी देखिए इसमें ये भी है, जैसे लीक सी लिखत नभ इसमें भी आपके उपमा अलंकार है, और उत्प्रेक्षा अलंकार है मानो मानो वह जैसे लक्ष्मण का बाण है वो छूटा हुआ हो, उसी प्रकार, और अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा यानी हनुमान उड़ावनी का बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। अब देखिए ये रावण वध, जब राम और रावण का युद्ध हुआ, राम रावण के युद्ध के बाद जब रावण की मृत्यु हुई तो उस समय की बात को केशवदास जी अपनी लेखनी से किस प्रकार लिखते हैं, देखिए इसमें एक इस प्रकार इसको सुन लीजिए कि जेही सर मधुमद मरदि महासुर मृदन्य कीहनेउ मारेउ क्रकस नरक शंक हति शंक जो लीनेउ निष्कंटक निष्कंटक सुर कटक करियु के ठब बबु खंड्यो सुर खर दूषण त्रिश्राक बंद तरु खंड विहंड्यो खंड विहंड्यो कुंभ करण जेही सर्यो पलन प्रतिज्ञा ते टरो तेहि बाण प्राण दस कंट के कंट सु खंडित करो। आगे देखिए इसमें युद्ध का वर्णन है तो कैसे लिख रहे हैं, वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जिस प्रकार श्री राम कहते हैं कि जिस प्रकार बाण से मैंने मधु नामक राक्षस के मद का मर्दन करके और उस महाबलशाली असुर को मार डाला था, जेहि शर मधुमद मरति महासुर मृदन्य कीहनेउ, अर्थात उस महान राक्षस का मैंने मर्दन किया था, उसको मार डाला था, मारव क्रकस नरक शंक अति शंक जोली और कठोर भयानक स्वभाव वाले नरकासुर को मार करके शंखासुर को भी मार दिया था, शंख शंख मतलब शंखासुर शंखासुर को भी मार दिया था, निष्कंटक सुर कटक करियो के तब बबु खंडियो नरकासुर को भी मार दिया, शंखासुर को भी मार दिया था और उससे पंचजन्य शंख ग्रहण किया था जिस बाण से मैंने केटब नामक राक्षस के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए थे, निष्कंटक सुर कटक केटब अर्थात केटब के मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और देवताओं के मार्ग के कंटक को दूर किया था, केटब बकु खंडो खर दूषण त्रिश्रा कबंद तरु खंड विडंडो अर्थात मैंने इसी के साथ खर दूषण त्रिश्रा कबंद इन सभी राक्षसों के वृक्ष खंडों को खंड खंड की तरह काट दिया था, उनका नाश कर दिया था, कुंभकर्ण जे ही शरीर और मैंने कुंभकर्ण का भी कुंभकर्ण राक्षस का भी संहार कर दिया था, उसे भी मार गिराया था, पल ने प्रतिज्ञा ते डरो और मैं क्षण भर में भी अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डरा अर्थात लक्ष्मण प्रतिज्ञा का निर्वाह किया, उसी बाण से मैं अब रावण के दसों कंठों को एक साथ खंडित करता हूं, तेही बाण प्राण दस कंठ के कंठ दसों खंडित करो अर्थात उसी बाण से जिस बाण से मैंने सारे राक्षसों को मारा, शंखासुर को मारा और मैंने देवताओं के मार्ग में आने वाले राक्षसों का नाश किया, खर को मारा, दूषण को मारा, तीसरा को मारा, कबंद को मारा, उन सभी को मारा और इसके साथ साथ मैंने कुंभकर्ण को भी जिस बाण से मारा और प्रतिज्ञा से नहीं टला, उसी प्रकार अब मैं रावण को भी उसी यानी उसी हथियार से अर्थात उसी बाण से मार रहा हूं, मारता हूं। तो इसमें देखिए अनुप्रास है, उपमा है, अलंकार है इसमें और छपे छंद है इसमें, कौन सा है, छपे छंद का प्रयोग हुआ है। अगला एक लास्ट पद वो देख लीजिए फिर वो अगले वीडियो में आएगा। इसमें देखिए कि भावे जहां वे बिचारी वेदरा में पर नारी द्विज गण दंडधारी चोरी पर पीर की माननीन ही के मन मानियत मान भंग सिंधु ही उलंग जाती की रती शरीर की भूले तो अधोगतित पावत पावत है केशोदास मिचु होशो वियोग इच्छा गंगा नीर की वंद्यावास नानी जान विद्यावास सबरी काई ऐसी रीति राजनीति राज रघुवीर की। भगवान श्री राम के रामराज्य का वर्णन करते हुए क्या लिखते हैं कि श्री राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति व्यभिचारी नहीं है, भावे जहां व्यभिचारी अर्थात जहां पर व्यभिचारी व्यक्ति कोई नहीं है, वेद्य रमे पर नारी अर्थात यहाँ केवल विद्वान लोगों
लोग हैं वो काफी की चर्चा में ही व्यभिचारी भावों का उल्लेख करते हैं, अर्थात राज्य में कोई भी पर नारी के साथ रमण नहीं करता है, वेद्य रमे पर, अर्थात यहाँ पर कोई भी पर नारी के साथ रमण नहीं करता है, केवल वेद्य ही दूसरों की नारी को देखते हैं, वेद्य रमे पर नारी, अर्थात यहाँ पर कोई दूसरा है वो पर नारी को छुआ तक नहीं है, वेद्य होते हैं वो ही नारी देखते हैं। द्विजगण दंडधारी, द्विजगण यहाँ पर दंड पाने योग्य कोई व्यक्ति नहीं है, द्विजगण दंडधारी चोरी पर पीर की, यहाँ पर दंड पाने योग्य कोई व्यक्ति नहीं है, केवल ब्राह्मण ही हाथ में अर्थात दंड धारण करते हैं, काष्ट दंड धारण करते हैं, दंडधारी द्विजगण दंडधारी चोरी पर पीर की, मान नीन ही के मान यत्र मान भंग, अर्थात यहां कहीं भी कोई चोरी नहीं है, केवल लोग जो है वो दूसरों, केवल लोग दूसरों की पीड़ा को चुराते हैं, यहां पर चोरी कोई चोरी करने वाला नहीं है, लोग दूसरों की पीड़ा जरूर चुराते हैं लेकिन यहाँ कोई चीज की चुराई नहीं करते, सिंधु ही उलंगी जाति कीरति शरीर की, कोई भी किसी का मान भंग नहीं करता है, केवल प्रेमी जन ही अपने माननीय नायिकाओं का मान भंग करते हैं, यहाँ पर भूलो तो अधोगतित पावत है केशवदास, अर्थात यहाँ कोई भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, केशवदास कहते हैं कि देहदारियों की कीर्ति ही समुद्र को लांग करके फैल जाती है, यानी भूले तो अधोगतित पावत है केशवदास, मिचु ही शुभ योग इच्छा गंग नीर की, वहां किसी भी किसी की अधोगति नहीं होती है और यहाँ पर केवल वृक्ष पादपों की ही जड़े नीचे की ओर झुकती है, आदमी नीचे की ओर झुकते नहीं, अर्थात आदमी जो है वो पतन नहीं करते हैं, यहाँ गंगा जल के अतिरिक्त और कोई इच्छा शेष नहीं रहती है, वियोग इच्छा गंगा नीर की, अर्थात यहाँ पर गंगा के जल की इच्छा के विरुद्ध कोई इच्छा नहीं रहती है, बंध्यावास नानी जान विद्यवास जबरिकाई, वहां किसी की कोई इच्छा नहीं रहती, वहां तो मृत्यु से ही वियोग होता है, यानी और वहां कोई भी नारी संतानहीन या विधवा नहीं होती है, वंध्यावास नानी जान, अर्थात राम राज्य में कोई भी नारी विधवा नहीं होती, कोई भी नारी वंध्य अर्थात बांझ नहीं रहती है, निसंतान नहीं रहती है, ऐसी रीति राजनीति राज रघुवीर की, केवल वाटिकाओं में यहाँ विधवा नामक वृक्ष जरूर होते हैं, श्री राम के राज में यह अनुपम रीति है कि वहां मनुष्य की वासनाएं बंध्या रहती है और वासनाओं का प्रसार नहीं होता है, ऐसी रीति राजनीति अर्थात इस प्रकार का राज्य हो भगवान श्री राम का राज्य है, ये आपके इसमें अनुप्रास और श्लेष अलंकार है, इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा, और आपके लिए मैंने जो नंबर बताए थे वो ये 9610208295, सभी विषयों के जो पाठ हैं वो अपलोड होते रहते हैं, तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें, जय हिंद जय भारत।